या मटका खाद लाई थी प्रकार से पूरे खेत में डाल देता। हाँ भैया ये पूरे खेत में डालना है। तो भैया ये मटका खाद से क्या क्या लाभ होता है? ये में भैया बहुत लाभ होता है, जो ये कीड़ा मकोड़ा होता है ना, तो ये खाद जो है अपना लड़ता है कि लड़ने की क्षमता रखता है। हाँ भैया एक हर से जो है फल बड़े बड़े आते हैं, जिन इनकर इन पत्ती और ये शाखाएं और यह पेड़ अपना मजबूत रहता है, जो कीड़ा मकोड़ा रहता है तो इनमें लड़ने की क्षमता रहता है, रेखा फल जो है बड़े बड़े आकृति में फरते है। फिर जिन रासायनिक दवाई रहते हैं तेल हम नहीं के बराबर उपयोग करते हैं, क्योंकि यह मटका खाद हमला अच्छा फायदा करता है। मटका खाद का सब्जियों में निरंतर प्रयोग करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे पौधों में कीड़े और बीमारियों का कम से कम लगना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता का बढ़ जाना, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम होना, पौधों की टहनियों का अधिक निकलना, फल के आकार एवं गुणवत्ता में वृद्धि होना। हाँ तो भैया ये मटका खाद इसमें डाल रहे हो भैया ना, तो इसमें फल भी बड़े बड़े आते हैं। हाँ भैया है ना। हाँ। और रोग से लड़े की क्षमता भी रहता है। हाँ। और एकर शाखा भी ज्यादा हाँ। निकलते है। हाँ। ता अपन और कोई किसान ला बताए के यहाँ कर भी। हाँ भैया ता थोड़ा सा सुझाव भी जरूरी है भैया। हाँ जरूरी है भैया, मटका खाद जो है रासायनिक खाद ले ज्यादा अच्छा होता है, जो कि कीड़ा मकोड़न से लड़े की क्षमता रखता है। एमा फल जितना साग सब्जी है तेमा अपन ना सकथन, फिर धान के फसल में अपन पी सकथन भैया, बहुत अच्छा उपयोग के चीज है यार। तो सभी किसान भाई जो है अपन धान साग सब्जी के मटका खाद का उपयोग ज्यादा करें। ठीक है भैया, तो ये मटका खाद के बारे में आप जानकारी दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम 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 जयराम।